हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं वंदिका मिश्रा, आपका स्वागत करती हूं केयरिंग रेमेडीज़ पर। दोस्तों, आपने आम तो कई बार खाए होंगे, लेकिन आपको आम के पत्तों के गुणों के बारे में शायद ही मालूम होगा। आम के जो पत्ते होते हैं, उनके बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। ऐसी बहुत सी बीमारियाँ हैं जिनको हम आम के पत्ते के द्वारा दूर कर सकते हैं, जो कि इसमें सबसे पहली बीमारी है मधुमेह, यानी कि डायबिटीज़। तो अगर आपको भी अभी अभी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, अभी आपकी शुरुआत है डायबिटीज़ की, तो आप अपने डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ आम के पत्तों की मदद से। आपको इसके लिए सिर्फ इतना ही करना है कि आपको 10 से 15 आम के पत्तों को लेना है, और उसको कम से कम 100 या 150 ml पानी में अच्छे से उबाल लेना है उसको, और उबाल करके उसको ऐसे ही छोड़ देना है रात भर के लिए, और अगले दिन मॉर्निंग में सुबह आपको उसे छान करके और पी लेना है। ऐसा प्रयोग आपको कम से कम 2 महीने से लेकर के 3 महीने तक लगातार करना है, और अगर आप इसको करते हैं तो आप 10 दिनों के अंदर ही इसका जो असर है वो आपको दिखाई देने लग जाएगा। इससे आपकी डायबिटीज़ इंस्टेंटली बहुत जल्दी कंट्रोल में आ जाएगी, और अगर आप इसका लगातार प्रयोग करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। दोस्तों, आम के पत्तों में फाइबर, विटामिन सी एंड साथ ही साथ पेक्टिन नाम का जो होता है वो पाया जाता है केमिकल, तो इसीलिए अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको डायबिटीज़ के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल की जो प्रॉब्लम होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल की, उससे भी छुटकारा मिल सकता है। तो अगर आप इन दोनों समस्याओं से परेशान हैं तो आप इसका प्रयोग ज़रूर कीजिए, और इसके बहुत अच्छे असर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम और नेक्स्ट बीमारी के बारे में, जो कि किडनी से संबंधित है। किडनी की स्टोन जो होती है, किडनी में पथरी हो या फिर इसके अलावा गॉल ब्लैडर में भी जो पथरी होती है, इसको भी ये बहुत अच्छी तरह से दूर कर सकता है जो आम के पत्ते होते हैं। लेकिन इसके लिए आपको डायरेक्ट पत्तों को इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि आपको इसका पाउडर तैयार करके रख लेना है पीस करके, और आपको उस पाउडर को रात को 1 गिलास पानी में भिगा करके रख देना है 1 चम्मच, एंड मॉर्निंग में सुबह उस पानी को अच्छे से मिला करके और आपको पी लेना है। इसके अलावा जिनको हाई बीपी या बेचैनी जिनको रहती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में जो लोग रहते हैं और उनको ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा रहता है, वो भी आम के पत्तों को प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए उन्हें आम के पत्तों का काढ़ा बना करके पीना चाहिए। जैसे कि आप चाय बनाते हैं, उसी तरह से आप इसका काढ़ा भी तैयार कर सकते हैं। आपको करना ये है कि थोड़ा सा पानी लेना है 2 कप के बराबर, और उसमें कुछ आम की पत्तियों को डाल देना है, 10 से 15 पत्तियों को, और अच्छे से उसको खूब खौला लेना है। जब वो आधा हो जा रहा है तब उसको थोड़ा सा गुनगुना ही आप चाय के जैसे पीछे सिप करके, और ये आपको सुबह खाली पेट पीना है। इससे आपका जो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ही दूर हो जाती है, और इसके नियमित सेवन से आप अपने ब्लड प्रेशर की जो समस्या है उसको हमेशा के लिए भी छुटकारा आप इससे पा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बालों की समस्या के बारे में। कई लोगों को बालों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, जिनके बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे रहते हैं, उनके बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है, या फिर बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, तो वो भी आम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए उनको जिस भी पानी में वो नहा रहे हैं उस पानी में थोड़ा सा आम के पत्तों को डाल करके और रात भर के लिए छोड़ देना चाहिए, और सुबह उसी पानी से उनको अपने बाल धो लेना चाहिए। अगर सर्दी का मौसम है तो आप उसके लिए थोड़ा सा गर्म पानी में आम के पत्तों को डाल करके उबाल करके और उसे छान के पानी को, उससे आप बाल धो सकते हैं। इससे आपके जो बालों की समस्याएं हैं वो बहुत ही जल्द दूर हो जाती हैं, और बालों का झड़ना भी दूर हो जाता है। इसके अलावा बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी आप आम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 गिलास पानी में कुछ आम के पत्तियों को रात के टाइम पर रख देना है डाल करके, और मॉर्निंग में सुबह उसको छान करके पी लेना है, जिससे कि आपके पेट की सभी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, और साथ ही साथ ये आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है। तो ये अगर आप इसका प्रयोग करते हैं नियमित रूप से, तो इससे आपके पेट की कोई भी समस्या नहीं होती है और आपकी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ रहती है। इसके अलावा ये कान के दर्द को भी ठीक करता है। कुछ लोगों में कान का दर्द बहुत ज़्यादा होता है कभी कभी, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी दवा है। आपको इसके लिए आम की पत्तियों के रस को अच्छे से निकाल लेना है, और उसके बाद में उसको थोड़ा सा गुनगुना करके और फिर कान में आपको डालना है। 1 या 2 बूंद आप डाल सकते हैं कान में। बच्चों को इसका प्रयोग मत कीजिए जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जैसे कि 1 साल से जिनकी उम्र कम है उनके लिए इसको प्रयोग मत कीजिए, और जो बड़े बच्चे हैं उनके आप 1 बूंद के कान में डाल सकते हैं, तो उनको भी कान के दर्द से राहत मिलती है, और साथ ही साथ जो बड़े लोग हैं उनको भी ये आराम मिलेगा अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो। लेकिन आपको इसको थोड़ा सा गुनगुना करके या फिर गर्म करके और थोड़ा ठंडा करके तब भी इसको कान में डालना है, आपको इसे डायरेक्टली कान में नहीं डालना है रस को।
इसके अलावा ये जो इसका पानी मैंने आपको बताया है, ये पानी आप वेरिकोस वेन्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी दूर करता है, यानी कि जो पैरों की नसों में जो सूजन आ जाती है या फिर जो नसें नीली नीली चमकने लगती हैं, बहुत ज़्यादा नसों का गुच्छा चमकने लगता है, तो उसकी समस्या को भी ये दूर करता है। इसके लिए आपको करना ये होता है कि आप इसके काढ़ा बना करके पी सकते हैं, या फिर आपको इसको पानी में उबाल करके, जैसे मैंने डायबिटीज़ के लिए बताया आपको, उसी तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं और पानी में उबाल करके और रख दीजिए रात भर के लिए, और सुबह इसको छान करके पानी इसका पी लीजिए, तो ये वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम को भी बिल्कुल ठीक करता है। अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप इसका प्रयोग ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आम के पत्तों का प्रयोग हम घाव या फिर जलन को दूर करने के लिए भी करते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई चोट लगी है, कोई घाव हो गया है या फिर कोई जलन हो रही है किसी स्थान पर, तो उस स्थान पर आप इसका लेप बना करके लगा सकते हैं। इनकी पत्तियों को अच्छे से आप पीस लीजिए, उसका लेप तैयार कर लीजिए और उस लेप को आपको लगा करके थोड़ी देर छोड़ देना है, और कुछ समय के बाद आप उसको पानी से धो लीजिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी आपका जो घाव है या फिर जो स्थान किसी भी स्थान पर जो जलन की समस्या है वो दूर हो जाती है। अलावा अगर किसी को पेचिश की प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो नॉर्मल पेचिश हो या फिर इसके अलावा कभी कभी खून भी आता है पेचिश में, तो अगर वो खूनी पेचिश है या फिर वो नॉर्मल ही पेचिश हो रही है तो उसको भी ये ठीक करता है। आपको इसको ये 3 दिन या फिर 4 दिन लगातार देना है। दिन में 2 बार इसका काढ़ा बना करके भी दे सकते हैं या फिर इसका पानी भी आप दे सकते हैं उबाल करके और छान कर, फिर उसके बाद ठंडा करके। तो आप अगर इन दोनों तरीक़ों से पानी देते हैं या फिर काढ़ा बना करके देते हैं मरीज़ को, तो ये दोनों ही तरीक़ों से बहुत फ़ायदा करता है और ये पेचिस की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक करता है। इसी तरीके के और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आती रहूँगी, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।